आपने गौर किया होगा कि ट्रेनों के डिब्बे पुराने समय में मेहरून रंग के हुआ करते थे और अब ज़्यादातर डिब्बे नीले रंग के होते हैं, और तेज़ रफ्तार वाली गाड़ियाँ जैसे राजधानी के डिब्बे लाल रंग के होते हैं। इस रंग के पीछे कोई कारण होता है या हर कोच के लिए अलग रंग तय होता है? तो दोस्तों, इसी के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि ट्रेन के कोच के डिब्बे अलग अलग रंग के क्यों होते हैं। दोस्तों, देश में दो तरह की कोच वाली ट्रेनें उपयोग में लाई जा रही हैं। एक ICF कोच है, जिसका मतलब होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो चेन्नई में स्थित है। ICF कोच की स्पीड 70 से 140 किलोमीटर पर आवर्स होती है। इनके कोच मेल एक्सप्रेस या सुपर फास्ट ट्रेनों में लगाए जाते हैं, जबकि दूसरा है LHB कोच। ये ICF कोच से अलग होता है। देश की सबसे तेज गतिमान एक्सप्रेस शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस में LHB कोच का उपयोग किया जाता है, जबकि इनकी क्षमता 160 किलोमीटर से 180 किलोमीटर पर आवर्स की होती है। ICF कोच के मुकाबले LHB कोच काफ़ी बेहतरीन होते हैं। दोस्तों, बता दें कि LHB कोच को फास्ट स्पीड ट्रेनों के लिए डिजाइन किया गया है। LHB कोच में रेलवे यात्रियों को काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं डिब्बों के अलग अलग रंग के होने का मतलब। नीला रंग, आपने देखा होगा कि अधिकतर ट्रेनों का रंग नीला होता है। बता दें कि 90 के दशक में सभी भूरे लाल रंग की ट्रेनों को बदलकर नीला रंग कर दिया गया था। लाल रंग, ICF वातानुकूलित ट्रेनों में लाल रंग के कोच का इस्तेमाल किया जाता है। अधिकतर राजधानी ट्रेनों में लाल रंग के कोच उपयोग में लाए जाते हैं। इसमें सभी कोच एयर कंडीशनर यानी वातानुकूलित होते हैं। हरा रंग, गरीब रथ ट्रेनों में हरे रंग के कोच का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि भारतीय रेल ने जितनी भी गरीब रथ ट्रेनों की शुरुआत की है, उन सभी का रंग हरा होता है। सफ़ेद, लाल, नीले रंग की ट्रेन, इन रंगों के अलावा कभी कभी आपने पटरियों पर सफ़ेद, नीले और सफ़ेद लाल रंग के ट्रेनों को भी देखा होगा कि कुछ रेलवे जोन ने अपने स्वयं के रंगों को नामित किया है, जैसे कि केंद्रीय रेलवे की कुछ ट्रेनें सफ़ेद, लाल, नीले रंग की योजना का पालन करता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुरंतो कोच का रंग पीला और हरा है, जो कि ममता बनर्जी की एक पेंटिंग से प्रेरित है।